थ्री ये 12 मार्क्स का। दिस सेक्शन कंटेन टू लिस्ट मैच सेट। ईच लिस्ट मैच सेट हैज टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच लिस्ट मैच हैज टू लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। फुल मार्क्स थ्री, वन नेगेटिव मार्क है। आंसर द क्वेश्चन 15 एंड 16 बाय अप्रोप्रिएटली मैचिंग द लिस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवेन इन द पैराग्राफ। कंसीडर द बोर्स मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉलोइंग लिस्ट वन कंटेन सम क्वांटिटीज फॉर nth ऑर्बिट ऑफ द एटम एंड लिस्ट टू कंटेन ऑप्शन शोइंग हाउ दे डिपेंड ऑन एन। तो ये क्वेश्चन में लिस्ट वन दिया हुआ है, लिस्ट टू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोग, लिस्ट वन में फर्स्ट रेडियस ऑफ द एंथ ऑर्बिट, सेकेंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंथ ऑर्बिट, थर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट, फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट। लिस्ट टू में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर -2, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर -1, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टू पावर 0, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर 1, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर 2 एंड एन टू पावर 0, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर 1, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर हाफ। तो ये रिलेशन दिया, डिटेल में देख लेते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट का आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। आर नॉट 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसका वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होता है। तो फर्स्ट रिलेशन जो है इसके अनुसार जो रेडियस जो है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम पी स्क्वायर होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है सो 13.6 बाय जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एम स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सो -2 k जेड स्क्वायर एम स्क्वायर, या पोटेंशियल एनर्जी जो होता है 2 टाइम्स होता है -2 k, और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो होता है -k जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो ये डाटा से सारा ऑप्शन को आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम स्क्वायर का। तो 15 का आंसर बी होगा, 15 का आंसर बी। 16 Which of the following option has the correct combination considering list 1 and list 2? तो list 1 list 2 में कौन सा correct combination है? List 1 and list 2 में कौन सा correct combination है? तो क्या होगा? n के power -2, और यही option में है p में, तो इसका answer a हो जाएगा। question 16 का answer a का ऑप्शन थर्ड और पी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन 17,
क्वेश्चन 17 नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, लिस्ट वाला ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 बाय एप्रोप्रिएटली मैचिंग द लिस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। लिस्ट वन इंक्लूड अ स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट ऑफ द सेलेक्टेड केमिकल रिएक्शन। लिस्ट टू गिव अ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड दैट मे बी फॉर्म एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द लिस्ट वन। तो लिस्ट वन बनाते हैं। लिस्ट वन क्या है? लिस्ट वन, लिस्ट टू यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। लिस्ट टू तो फर्स्ट जो है तो यहाँ पे एसिटल ग्रुप है, इसको फर्स्ट डाइबल एच से ट्रीट किए, डाइल्यूट HCl के साथ। थर्ड NaBH4 के साथ। फोर कॉम्प H2SO4 के साथ। यहाँ पे P जो है CO2H। इसको पहले ओजोनोलाइसिस O3 के साथ ट्रीट किए, फिर NaBH4 के साथ ट्रीट किए, और फोर्थ कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट किए। दिया हुआ है OH, थर्ड KCN के साथ, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किए और हीट किए, LiAlH4 के साथ ट्रीट किए, क्रोम H2SO4 के साथ, और इसका LiAlH4 के साथ ट्रीट किए, इसको कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट किया। आर्क ये है S, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस कंपाउंड को हम डाइबल एच के साथ ट्रीट करेंगे तो ये रिड्यूस कर देगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबल एच, तो ये रिड्यूस कर देगा साइनाइड को, रिड्यूस करके पहले इमीन का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ये एसिटल ग्रुप है, जब इसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एसिटल ग्रुप का ओपनिंग हो जाएगा और ये इथिलीन ग्लाइकोल निकल जाएगा, ये इथिलीन ग्लाइकोल निकल जाएगा, CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका जब इसको ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा CHO। तो ये हो गया। जब इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे NaBH4 के साथ, NaBH4 के साथ
सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है NaBH4 के साथ। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह ये कंपाउंड जब इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे कॉन्क H2SO4 के साथ, तो कॉन्क H2SO4 इथरीफिकेशन करवाता है, तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसकी तो ये इसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हुआ इसका, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे CHO का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे जो ग्रुप है सो लगा रहेगा CO2H। जब इसको फर्दर हम ट्रीट करेंगे NaBH4 के साथ, तो NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा लेकिन एसिड को नहीं रिड्यूस कर पाएगा। तो ये इसका रिड्यूस करके ये बना देगा अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH OH। तो जब इसको जब हम कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये यहाँ पे इस्टरीफिकेशन कर देगा, यहाँ पे HOH का रिमूवल हो जाएगा और ये ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे इस तरह का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इस थर्ड तो जब इसको हम KCN के साथ ट्रीट, SN रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन है, SN रिएक्शन। तो फर्स्ट वाला लिख रहे हैं, जब फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोनों ये भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा OH और यहाँ पे COH। हम फर्दर ट्रीट करेंगे AlAlH4 के साथ, AlAlH4 के साथ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको एसिड को रिड्यूस कर देगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये OH। जब इसको कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे ये सेम इथरीफिकेशन करवाएगा और इथरीफिकेशन करवाने पड़ेगा। फोर्थ जब AlAlH4 के साथ ट्रीट करेंगे, एक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। जिसको कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो सेम प्रोडक्ट सेम कंपाउंड बन रहा है बार बार, तो बेसिक्स रिएक्शन, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो कौन सा सेट जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो आंसर है सी, जो इसमें जो टू है उसमें जो इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पी बन रहा है, एस बन रहा है और यू बन रहा है। तो देख लेते हैं तीनों का स्ट्रक्चर। पी का स्ट्रक्चर
इस तरह का है, ये कंपाउंड तो बन रहा था, तो ये इसका पी बन रहा है। उसके बाद ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ इसका फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहाँ पे CO2H, ये कंपाउंड तो बन ही रहा था, तो ये भी एस भी बन रहा है, ये बन गया। तो ये मेरा पी एस और यू, इसका यू, तो ये आंसर सही है, PSU। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू में कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? इसका जो 18 का आंसर डी, डी फोर जो है, फोर जो है उसमें क्यू आर का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यू और आर। तो क्यू क्या है वो भी देख लेते हैं, आर क्या है देख लेते हैं, वो उसका फॉर्मेशन हो रहा था, क्यू आर। अभी कुछ देर पहले ही ये रिएक्शन बना है, तो इसका तो फॉर्मेशन हुआ ही है, तो ये भी आंसर सही है।